उत्तराखंड में आज कोरोना के 77 नए मामले सामने आए, जबकि आज उत्तराखंड में कोरोना से कोई भी मौत नहीं हुई। वहीं आज उत्तराखंड में कोरोना से 104 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार आज अल्मोड़ा में 2, बागेश्वर में 1, चमोली में 4, चंपावत में 3, देहरादून में 14, हरिद्वार में 13, नैनीताल में 10, पौड़ी में 3, पिथौरागढ़ में 9, रुद्रप्रयाग में 10, टिहरी में 2, उधमसिंह नगर में 5, उत्तरकाशी में 1 नया मामला सामने आया। वहीं उत्तराखंड में कुल अब तक मौतों की संख्या 7338 हो गया है, जबकि कुल मरीजों की संख्या 3,40,959 हो गया है। इसमें से केवल 1,506 केस एक्टिव हैं। वहीं उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के 510 मामले सामने आ चुके हैं, इनमें से 102 मरीजों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में डेल्टा प्लस वेरिएंट ने दी दस्तक, लखनऊ के छात्र में वायरस की पुष्टि। तो उत्तराखंड में कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला केस सामने आया है, जिससे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। संक्रमित व्यक्ति उधमसिंह नगर जिले का रहने वाला है। उधमसिंह नगर जिले के गदरपुर में कुछ समय पहले आए बीटेक के एक छात्र को कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए रैंडम जांच के तहत भेजे गए 5% नमूने में उसका भी सैंपल शामिल था। महंगाई भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस का प्रदेशव्यापी प्रदर्शन। तो कांग्रेस का आज महंगाई के खिलाफ प्रदेशव्यापी प्रदर्शन है। इस दौरान जगह जगह महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार से पहले निशंक का इस्तीफा। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार से पहले शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफा देने के बाद उत्तराखंड में उनके कार्यकाल में किए गए कामों की चर्चा शुरू हो गई है। उत्तराखंड में अवैध खनन पर चला राजस्व विभाग का डंडा, 3 डंपर सीज। तो कोटद्वार तहसील क्षेत्र में लगातार अवैध खनन होने की सूचना मिलने पर राजस्व विभाग की ओर से कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में 3 डंपरों को सीज किया गया है। बिना कोविड रिपोर्ट यात्रियों को प्रदेश ला रहे डग्गामार वाहन, प्रशासन बेखबर। तो उत्तराखंड के नारसंग बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर खड़े डग्गामार वाहन बाहरी लोगों को बैठाकर धड़ल्ले से प्रवेश करा रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारियों का इस ओर ध्यान नहीं जा रहा है। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए बहुत खतरा बढ़ गया है। वहीं आज उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने लेक्चरर यानी प्रवक्ता का रिजल्ट जारी कर दिया है। तो इसमें कट ऑफ भी यहां पर जारी कर दी गई है, साथ में रिजल्ट भी। तो जिन अभ्यर्थियों ने स्क्रीनिंग परीक्षा दी थी वे अपना रिजल्ट यहां पर दे सकते हैं। इस प्रकार से सभी विषय की कट ऑफ यहां पर जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही एग्जाम भी अब जो यहां पर मेंस एग्जाम है वो भी यहां पर जल्द होने की संभावना है। तो देख सकते हैं यहां पर इस प्रकार से आप भी अपना कट ऑफ देख सकते हैं। साथ ही यहां पर 3 लिस्ट यहां पर जारी की गई हैं, जिसमें से एक में यहाँ पे कट ऑफ दिया गया, दूसरे में रिजल्ट और तीसरे में नाम से अपना जो मार्क्स है वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं।